व्हाट इफ के अब तक 3 एपिसोड आ चुके हैं। खैर मैंने अभी तक फर्स्ट एपिसोड के बारे में बात की है और आज की इस वीडियो में सेकंड और थर्ड दोनों एपिसोड की एक साथ बात करेंगे, क्योंकि यार देखो मुझे अच्छा लगता है कि जब काफी सारे एपिसोड आ जाए या पूरी सीरीज आए तब बात करें तो ज्यादा सही है, बात करने को ज्यादा कुछ मिल जाता है। लेकिन क्या करें, ये मार्वल वाले सुतर थोड़ा रहे, एक एक वीडियो निकाल रहे, मतलब कि एक एक एपिसोड निकाल रहे। तो सेकंड एपिसोड के अंदर हमें जो देखने को मिलता है कि भाई जो पीटर क्विल है उसकी जगह पर टीचाला को उठा के ले जाया जाता है, मतलब उसको किडनैप कर लिया जाता है या फिर कहीं वो अपनी इच्छा से वहां चला जाता है स्पेस के अंदर, और अब टीचाला जो है वो स्टार लॉर्ड बन जाता है। अब लोग यहां पर इज्जत बहुत करते हैं इसकी। अब जब पीटर क्विल का जो मैंने गार्डियन ऑफ गैलेक्सी देखा था उसकी इतनी इज्जत नहीं थी, उसको कोई सीरियस नहीं लेता था, लेकिन इस वेब सीरीज के अंदर, ये एनिमेटेड सीरीज के अंदर इसको सीरियस बहुत ले रखा है, इसको बहुत समझता है। ऑब्वियसली टीचाला की जो मैच्योरिटी आप देखोगे काफी अलग ही लेवल की एज कंपेयर टू पीटर क्विल से, तो यहां पर इसको बड़ी इज्जत मिलती है। यहां पर थेनोस हमें देखने को मिलता है, बेचारा थेनोस बॉडीगार्ड बन गया, मतलब थोड़ा सा अजीब सा तो लगा लेकिन अच्छा भी लगा, मतलब अजीब अच्छा जो भी है। और जब मैं सेकंड एपिसोड देख रहा था तो मेरे दिमाग में एक चीज चल रही थी, अरे यार थेनोस अगर यहां है, थेनोस अगर बुरा नहीं है तो बुरा है कौन, शायद गमोरा। तो ये जो हमें दिखाया गया है सेकंड एपिसोड के अंदर दिखाया गया, और लास्ट में भी थोड़ी सी भावुक करने वाली लाइन लास्ट में लिख दी जाती है। खैर सेकंड एपिसोड के बाद जब थर्ड एपिसोड में आते हैं तो सच कहूं ओवरऑल जो मुझे सेकंड एपिसोड अच्छा लगा, लेकिन जो इन तीनों एपिसोड जो अब तक 3 एपिसोड आ चुके हैं उन तीनों में बात करूं, सबसे बढ़िया एपिसोड मुझे थर्ड वाला लगा, क्योंकि भाई उसके अंदर आयरन मैन, हल्क, हॉकआई, ब्लैक विडो और कोई है क्या, इनको लुड़का, ओ सच्ची चीज सबसे पावरफुल थोर, इन चारों पांचों को लुड़का दिया जाता है। तो इन पांचों को किसने मारा, क्यों मारा थे को, ये तो चीजें आप लोगों को ये जब सीरीज देखोगे या फिर कहीं एपिसोड देखोगे तब पता चलेगा। खैर जो सामने आता है जिसने इन पांचों को मारा, यानी पांचों एवेंजर जो बनने वाले थे इनको जो मारा, जो सामने आता है, देखो यार मुझे वो देखकर हैरानी तो नहीं हुई, लेकिन मुझे हैरानी इस बात पे हुई यार ये किस एंगल से इतने पावरफुल हीरोज को मार सकता है। निक फ्यूरी जो एवेंजर्स एक टीम बनाना चाह रहा था वो अब बनने से पहले ही टूट गई है, उसके सामने लोकी, अब शायद मे भी आने वाले टाइम में वो लोकी के साथ काम कर सके। लेकिन देखो यार 30 मिनट का जो एपिसोड है आपको इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, आप एक पल भी मतलब अपनी पल के झपकाना नहीं चाहोगे। सेम मेरे साथ हुआ मेरे, क्योंकि यार एक के बाद एक हीरो मर रहे थे, तो यार ये मेरे अंदर क्यूरियोसिटी थी यार ये मार कौन रहा है, मर क्यों रहे, इनकी जगह आएगा कौन। यार भैया मल्टी यूनिवर्स है, कुछ भी चेप सकते हैं। लास्ट में जो एपिसोड, इस एपिसोड के जो लास्ट में जो फाइट दिखाई जाती है निक फ्यूरी वर्सेस निक फ्यूरी और साथ ही साथ लोकी एक साथ होते हैं और ये जो विलन होता है जो पता चलता है, खैर अब ये जो लास्ट जो फाइट है मुझे थोड़ी सी अटपटी इस बेस पे लगी है, जिस वे से इन्होंने इसको हराया है तो क्या वो और बाकी हीरोज नहीं हरा सकते थे, क्या ब्लैक विडो उसको नहीं हरा सकती थी, या फिर जैसे इनको इन्होंने थोर को बताया था कि भाई ये बहुत इसकी उम्र है, बहुत ज्यादा उम्र है, बहुत पावरफुल है और उसकी एक तीर लगने से मौत हो रही है, हल्क मर रहा है यार, ये थोड़ी सी चीज हजम नहीं हो रही थी मुझको। अब अगर आप लोग अगर फर्स्ट एपिसोड देखें सेकंड एपिसोड देखें तो उसके अंदर आप लोगों को जैसे दिखाया गया है कि जो स्टीव रोजर है फर्स्ट एपिसोड के अंदर वो कैप्टन अमेरिका बनने के लिए जाता है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है कि इतने में कुछ गड़बड़ हो जाती है और वहां पर पैगी जो है वो कैप्टन अमेरिका बन जाती है, तो ये वाली जो कहानी हमारे सामने दिखाई जाती है हमें जस्टिफाई लगती है, हम उसके ऊपर यकीन कर पाते हैं। सेकंड एपिसोड में भी हमें ऐसा ही फील करवाया जाता है कि हाँ भी देखो पीटर क्विल की जगह पर टीचाला को ले जाया जाता है, हाँ हम वो चीज भी मान लेते हैं कि एरर हो गया। लेकिन थर्ड एपिसोड में बाकी हीरोज को चलो जैसे से मैं मान सकता हूं कि जो जिसने जो विलन है या फिर जो इस थर्ड एपिसोड में जो कातिल है जिसने इनको मारा है बाकी को तो मैं मान सकता हूं, लेकिन वो हल्क को मार गए यार, हल्क को मार गया साथ ही साथ वो थोर को मार गए, ये कैसे हो सकता है, ये थोड़ी बहुत चीज मुझे हजम नहीं हो रही थी। अगर इसके ऊपर थोड़ा बहुत अच्छे से काम किया होता तो ये एपिसोड काफी धमाल कर सकता था। हाँ भले ही मारो यार, मतलब कि अगर आप लोगों को उनको एलिमिनेट भी करना, मतलब निकालना भी है, कुछ और भी लाना है तो करो, लेकिन एक सही से वे हमें दिखाया जाए कि हाँ यार तुम इसके ऊपर यकीन तो कर पाओगे ना, हाँ तो वो चीज अच्छी लगती है। अब जो विलन देखे यार इतना ज्यादा, इतनी मेरे अंदर हो रही थी क्यूरियोसिटी कि यार हाँ इसमें बहुत पावरफुल मिलेगा ऐसा कुछ नहीं निकला, क्या एक चींटी निकलती है। और अब डॉक्टर स्ट्रेंज बचे हुए हैं, यानी जादू टोना टोटका करने वाले बाबा बचे हुए हैं, शायद अगले एपिसोड में उनके बारे में बताया जाए। अब देखने वाली बात है कि उनकी किस्मत में क्या लिखा है, अब वॉचर उसकी किस्मत कैसे बदलता है, तो ये अगले एपिसोड में हमें जानने को मिलेगा। अब मुझे डॉक्टर स्ट्रेंज से उम्मीदें ये है कि यार ये बंदा मल्टी यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट जानता है, लेकिन यार कोई नहीं जानता मल्टी यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट, मतलब वो गले में मनी पहन के क्या कर रहा है यार, वो जो मतलब उसके गले में जो ताबीज है, जो भी वो टाइम स्टोन है उससे पता तो करे यार कैसे कैसे वो चीजों को हो रहे हैं,
उन चीजों को समझे, यार मुझे थोड़ा सा होना चाहिए था यार, उसको पता हो। खैर मेरा भी दिमाग खराब हो रहा है ये मल्टी यूनिवर्स के बारे में, मुझे भी नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि इतना सारा मल्टी यूनिवर्स देख लिया, लोकी से स्टार्ट किया, व्हाट इफ में, अब स्पाइडरमैन की जो मूवी आ रही है उसमें भी मल्टी यूनिवर्स, मतलब हर जगह मल्टी यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट लगा दो भैया, बाकी जो है वो जनता मान लेगी। और ये जो सीरीज चल रही है व्हाट इफ की एनिमेटेड सीरीज, ये उन्हीं को पसंद आने वाली है, उन्हीं को समझ आने वाली है जिन्होंने मार्वल की सारी मूवीज देख रखी है, वो इसी से रिलेट कर पाएंगे क्योंकि अब इसमें क्या होने वाला है, क्या आगे होगा। खैर इसके अंदर जो थर्ड एपिसोड है, एक सीन आता है इसके अंदर, उसमें जो आपने अगर हल्क की जो फर्स्ट मूवी नहीं उसके बाद जो सेकंड मूवी आई थी, जहां पर अब यार मैं उसको कैसे डिस्क्राइब करूं, जहां पर हल्क एक लाइब्रेरी के अंदर होता है, मतलब कि ब्रूस बैनर एक लाइब्रेरी के अंदर होता है, वहां से जा रहा होता है तो उसको पकड़ने के लिए मेजर आ जाता है, वो वाला सीन यहां पर एज इट इज दिखाया गया, मतलब मुझे अच्छा लगा, मुझे थोड़ी सी मतलब पुरानी बातें याद आ गई, अरे यार ये वाला वो सीन है ना, क्योंकि अगर आप लोगों ने वो मूवी देखी होगी शायद आप मेरी बात को समझ पाए। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं इस वीडियो में, अगर ये एपिसोड आप लोगों ने या फिर ये तीनों एपिसोड आप लोगों ने देख लिए तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसे लगे, अगर नहीं देखे तो जाकर देखो यार, काफी इंटरेस्टिंग है, क्या चीजें होती हैं। अब देखो निक फ्यूरी की जो एवेंजर है वो खत्म हो गया, अब कौन आएगा, ये इंटरेस्टिंग है जानने के लिए, कैसे स्टोन को मतलब ये जो 5 इंफिनिटी स्टोन थे वो कैसे किसके हाथ में लगेंगे, 5 थे या 6 थे आई डोंट नो, मुझे अब तो याद भी नहीं है। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।